चुनाव आते हैं, अच्छे दिनों की बात होती है, अच्छे घर देने की बात होती है, बेरोजगारी दूर करने की बात होती है, माली हालत सुधारने की बात होती है, लेकिन क्या नेता, राजनेता या राजनीतिक पार्टियां, सरकारें मजदूरों का ख्याल रखती हैं, नहीं रखती हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष कार्यक्रम के तहत कि चौकटी के जो मजदूर हैं, जो चौकटी पे आते हैं, उनकी दशा क्या है, दिशा क्या है और अब तक सरकारों ने उनके लिए क्या किया है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां तमाम चौकटी के जो मजदूर हैं वो सुबह यहां तकरीबन 7 बजे यहां वो आ जाते हैं और वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं और बारी का इंतजार करने के बाद वो यहां अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। जो कोई काम किसी के पास होता है, मजदूरी का कह सकते हैं, मकान बनाने का तमाम जो काम है वो यहां पर वो करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो ये दिहाड़ी का काम करते हैं, उनसे जानते हैं। बाबू जी, आम चुनाव चल रहा है, अभी वोटिंग चल रही कई जगह, राजस्थान में 2 चरणों में होनी है, ये सरकारें आती है कितना ध्यान रखती है आप लोगों को? अब मजदूर पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, गरीब आदमी पे बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का। क्या वादे किए जाते हैं उसके बाद पूरे नहीं करते? पूरे वादा ये क्या कर, रुपया डाल दिया, वो कुछ डाले नहीं, करे नहीं, कुछ भी नहीं है, लेना देना कुछ भी इसमें नहीं है सरकार में, झूठे वादा चलते हैं। आप बताइए भाई साहब, किस तरह के वादे, क्या क्या वादे करते हैं? झूठे वादा करते हैं, पानी की सुविधा है नहीं, मजदूर को कोई मजदूरी है नहीं, सारी व्यवस्था खराब है गवर्नमेंट की। आप बताइए भाई साहब, क्या क्या वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले? चुनाव से पहले पानी पे, बिजली पे, रोजगार पे ये वादे किए जाते हैं और चुनाव आते हैं, जब भी चुनाव होता है दूसरे वादों पे, और जो हकीकत के वादे हैं वो चुनावों के अंदर दब जाते हैं। निश्चित तौर पे ये जो मजदूर है इनका कहना है कि हकीकत में जो होता है वो चुनाव से पहले होता, हकीकत इस चुनाव के बाद होती है, चुनाव के बाद जब सरकारें बनती है तब उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे, हमारे साथ खड़े हैं भैया, कहाँ से आए हो आप? यूपी से हैं सर। क्या करते हो? बेलदारी करते सर। किस तरह की बेलदारी करते हो, कितना पैसा मिल पाता है? हमको 400 रुपए मिलता है दिहाड़ी पे। जब चुनाव होते हैं तब चर्चा की जाती है कि आपके दिन सुधारे जाएंगे, क्या दिन सुधरते हैं चुनाव के बाद? सुधरते हैं सर जी। क्या कहते हैं नेता? अच्छे दिन के लिए कहते हैं मगर अच्छे दिन आते ही नहीं है। जब काम करने जाते तो ठेकेदार पैसे रोक लेता किसी किसी का, तो अब शाम होते ही तो कह देता अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो आते ही नहीं है, वो तो चला जाता है, फिर पता नहीं आता ही नहीं, पैसे नहीं देता। निश्चित तौर पर एक भाऊ जी और हमारे साथ है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भाऊ जी, चुनाव आते हैं हर साल, जैसे 5 साल में एक बार चुनाव होता है, पहले विधानसभा का होता है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या वादे किए जाते हैं? आपको मकान दिया जाएगा, मजदूरी बढ़ेगी, क्या बढ़ी? नहीं नहीं, मजदूरी कहाँ से बढ़ी, ये तो झूठ मूठ के मजदूरी बोलते हैं बढ़ जाएगा, बाद में चुनाव के बाद में भूल जाते हैं। आप क्या कहेंगे? अभी आने की जब बोल रहे हैं कि जब मजदूरी भर, मजदूरी आने खाना, हम तो आने के 100 रुपया में पेट ना भर रहे, अभी जब मजदूरी 300 के 300 ही है, मजदूरी ना बढ़ी। लेकिन महंगाई की बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। हाँ, महंगाई तो लगातार ही बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। चुनाव जब आते हैं तो नेता कहते हैं, सरकारें कहती हैं आपको मकान बना, वो करेंगे, नेता कहते हैं कि हमने ये करेंगे, हमने किसी को मकान देंगे, किसी को आने की पानी की सुविधा, किसी को बिजली की सुविधा देंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मजदूरों का बड़े लोग तो आने के पैसा से खरीद लेते हैं, लेकिन हमारे पास में है क्या? हम तो मजदूरी करेंगे तब तो खाएंगे। पैसे वाले इनको पैसा मिलता है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं मिलता है, गरीब आदमी तो गरीबाई में ही रहता है। मजदूर चौकटी पर दूसरी बात हम करेंगे इन मजदूरों के साथ, उनकी दयनीय स्थिति के साथ, उनके दिन भर की दिनचर्या के साथ, उनके परिवार की स्थिति के बारे में। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, राजधानी जयपुर की ही तस्वीरें हैं। राजधानी जयपुर में एक दर्जन से ज्यादा कई जगहों पर, राजधानी जयपुर में सुबह ये जो कह सकते हैं मजदूरों की जो चौकटी है वो लगती है। तमाम जो मजदूर हैं, चाहे वो प्रदेश के हों, दूसरे इलाके के मजदूर हों, वो तमाम मजदूर यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद में इंतजार करते हैं कि कोई कह सकते हैं कि कोई मालिक आएगा, कोई घर बनाने का काम देगा, कोई घर से काम
करवाने का काम उनको देगा, कोई ठेका देगा। वो इंतजार करते हैं 300 रुपया का, कि 300 रुपये वो किसी के यहाँ जाएंगे, 300 रुपया वो लाएंगे, अपने परिवार का पेट पालेंगे और कह सकते आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन मजदूरों का दंश वहीं का वहीं है। इनका ये कहना है कि जो मजदूरी उनको मिलती है वो मजदूरी उतनी नहीं है जितनी की महंगाई की जो मार है वो लगातार इन पर पड़ रही है। कुछ लोगों से हम जानते हैं। भैया कहाँ से आए हो? हम जयपुर से ही रहने वाले। क्या करते हो? हम जयपुर काम करते हैं साहब, मजदूरी करते हैं। कितना पैसा है? हम 300 रुपए में करते हैं साहब। क्या 300 रुपए में घर खर्च चल जाता है आपका? घर खर्चा नहीं चलता है साहब, क्या करें, मजदूरी के अंदर गरीब आदमी है, हम मजदूरी करना पड़ता है, मजदूरी तो करते रहते हैं, मजदूरी करना पड़ता है, गरीब आदमी है, 300 रुपए में क्या खर्चा चलता है, कुछ भी नहीं चलता। चुनाव आते हैं तो नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला साहब हमारे को, तो गरीब आदमी को कुछ भी नहीं करा हमारे गरीब तक, तब आज तक तो कुछ करा नहीं, और अब करना चाहते हैं तो कर देगा, आज तक तो कुछ करा नहीं, कुछ भी नहीं करा आज तक तो गरीब के। जिनका कहना है कि अभी तक ये नेता सिर्फ भाषण देते हैं, सरकारें आती अच्छे मकानों की बात करती है, लेकिन उनकी मजदूरी जो है वो नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से घर की जो जरूरतें हैं वो तय समय पर पूरी नहीं हो पाती। कुछ लोगों से हम बातचीत और करेंगे। आप भैया जी कहाँ के आए हैं, कहाँ से मजदूरी करने यहाँ आए? जमुई, पटना से आया। पटना से आए। कितना दिहाड़ी मिलता होगा आपको? 300। क्या 300 रुपए में परिवार खर्चे या परिवार के और तमाम खर्चे पूरे हो पाते, बच्चों की पढ़ाई तमाम? गरीब आदमी कौन चोरी दिन करेगा, दिन पर दिन करेगा, उतने में गुजारा हो रहा है। आप बताइए। बच्चा भी कहाँ से पढ़ा पाएंगे, बच्चे 300 रुपए की मजदूरी में, चार बच्चियां आज हमारे भी, एक बच्चा है, पांच बच्चा बच्ची है, घरवाली खत्म हो गई, कहाँ से पढ़ाए मजदूरी में, बच्चा बच्ची इनको पेट भरना मुश्किल हो रहा है इस तरीका से जयपुर के अंदर। मजदूर बताइए भैया क्या कहना चाहिए, मजदूरों का पेट भर जाता है? नहीं भरता है साहब, मजदूरों का पेट कुछ भी नहीं भरता है, 300 रुपए में क्या पेट भरेगा, मजदूरों का कोई पेट नहीं भर सकता है। जिस तौर पे कुछ लोग हमारे साथ और हैं जो मजदूर हैं, यही काम करते हैं। भैया जी आप कहाँ के हैं? मैं चूरू शेखावाटी का हूँ। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। आपको कितना पैसा मिलता है? हमको 300 रुपए मिलता है। क्या 300 रुपए में परिवार का खर्चा वगैरह तमाम चीजें हो पाती हैं आपकी? नहीं हो पाती है, खर्चा ही नहीं चलता पाता है, और टाइम का खाना भी नहीं हो पाता है। तो जब ये चुनाव आते हैं, हर 5 साल बाद में चुनाव आते हैं, पहले विधानसभा का आता है, फिर लोकसभा का, आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, नेता भाषण बड़े बड़े देते होंगे? हाँ खूब देते हैं, भाषण देते हैं, उस टाइम ये बोलते हैं हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, जो जो शर्तें रखते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, पैसे वाले इनको कर और पेंशन वालों के कर देते हैं, गरीब आदमी का कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छे घर का भी वादा करते हैं, अच्छा घर बना के देंगे आपको, मजदूरी बढ़ा देंगे आप? हाँ मकान भी बना देंगे और मजदूरी भी बढ़ा देंगे, और आपके जो फसल बनाते हो गेहूँ में और चावल में और हर चीज में, बाजरा में, मूंग में, ग्वार में, मोठ में, सब में आपकी रेटें बढ़ा देंगे, आपके अच्छे भाव से अनाज खरीदेंगे, कुछ भी अनाज अच्छे भाव में नहीं खरीदते हैं। इनका कहना है कि जब नेता जब चुनाव मैदान में आते हैं, तरह तरह की वो घोषणाएं करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपकी मजदूरी बढ़ा देंगे, आपकी फसलों का भाव बढ़ा देंगे, लेकिन चुनाव जैसे ही निकल जाता है उसके बाद तमाम ये जो वादे हैं वादे रह जाते हैं और इनको कुछ नसीब नहीं होता। कुछ तस्वीरें और मेरे सहयोगी गिरिराज हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे। ये सुबह सुबह मेला ऐसा लगता है, यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं। आप कहाँ से? नमस्कार सर, सर मैं सवाईमाधोपुर जिले से श्यामपुरा गांव से हूँ, मेरा नाम है नंदकिशोर शर्मा जी। क्या करते हो? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब की बात, ये मजदूरों की हालत है, आपकी भी यही हालत है? नहीं सर, हम तो प्राइवेट जॉब का मात्र रेगुलर काम चलता है सर, वैसे है ना। निश्चित तौर पर मजदूरों की बात करें तो मजदूर और हमारे साथ कई मजदूर हैं। भैया जी आप कहाँ से हो? सर मैं पंजाब से आई, मजदूरी करने के लिए आता हूँ, कि कभी वहाँ पे भी करता हूँ, कभी यहाँ पे भी आ जाता हूँ, जब वहाँ नहीं मजदूरी मिलती जब मैं यहाँ आ जाता हूँ मजदूरी करने के लिए। 2 जून की रोटी के लिए पंजाब से निकलकर आप राजस्थान में आए हो, क्या वो रोटी तय समय पर आपके बच्चों को आपको मिल पाती है? नहीं सर, देखो आप मेहनत करते हैं तभी हमको रोटी मिलती है, नहीं मेहनत करेंगे तो कहाँ से रोटी हमको मिलेगी, बताओ आप। सरकारें कुछ वादे भी करती है चुनाव से पहले, आपको सुधार देंगे, आपको मकान दे देंगे, आपको गेहूँ ये कर देंगे, आपको मजदूरी बढ़वा देंगे। सर वादा तो करती है सर, वादा पूरा ही नहीं होता क्या करें, कोई भी वादा हमारा अब तक आज तक पूरा नहीं हुआ सर। क्या क्या वादे करते हैं? मैं आप तरफ से क्या क्या कहते हैं? सर देखो हमको एक गेहूँ मिलता था, वो भी अब सही टाइम पे नहीं मिलता,
ये तो सर यार काला बाजारी है साहब, आप ही वही डिपो वाले खा जाते हैं, क्या हमको तक तो पहुँचते ही नहीं माल। नेता भाषण खूब देते होंगे चुनाव से पहले, ये कर देंगे वो कर। हाँ साहब भाषण तो जैसे जैसे बहुत भाषण देते हैं पर वादे पूरे नहीं हमारा। निश्चित तौर पे ये कह रहे हैं कि नेता भाषण अच्छे देते हैं, बात बड़े बड़े दिनों की करते हैं, अच्छे दिनों की बात करते हैं, लेकिन उनके दिन अब तक नहीं सुधरे। सर लोग हमारे साथ हैं भैया जी, आप कहाँ से हो? मैं तो यहाँ का हूँ, सामरगा, फुलेरा सामरगा। क्या मजदूरी करते हो आप? मजदूरी करते हैं। सरकार वादे खूब करती हैं, पार्टियां भी वादे खूब करती हैं कि अब की बार एक बार और जीता दो तब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या लगता है मजदूरों का कुछ भला हो पा रहा? बल्ला तो हो पा रहा है बड़े बीचला जने, ये बल्ला नहीं कर पाता है, ये उसकी योजना सही नहीं चलवा रहता है। और वो सरकार तो ऐसी आई है जो योजना सही करने के लिए ऐसी सरकार आई है, पर ये बीचला जने ये उसका सही ढंग से नहीं कर पाता है, इसलिए अधूरा रिजल्ट। इनका कहना है कि बीच में जो अफसर हैं ये कर्मचारी हैं वो भी कह सकते हैं मुनाफाखोरी के चक्कर में इनका जो पैसा है वो कुछ हिस्सा हड़प लिया जाता है ताकि इनको पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया जी आप कहाँ से हो? हम MP है मध्य प्रदेश से। मेरा हम मजदूरी करने आया यहाँ पे। कितना पैसा? 300 रुपये दिन मिल जाए। आज से मेरी 40 साल की उम्र हो गई, मेरे को गवर्नमेंट सरकार से 1 रुपये की आज तक लाभ नहीं हुई। राशन के जो पर्ची कार्ड बनते हैं वो भी नहीं बना, मकान जो बाथरूम गटर बनते हैं वो भी नहीं बना, कुछ भी। आज तक मेरे को 40-45 साल की उम्र हो गई, 1 रुपये का लाभ नहीं मिला मेरे को सरकार से। सरकार इसलिए मैं 500-600 किलोमीटर दूर से यहाँ मैं मजदूर करने आया हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अब बताओ मैं पढ़ा लिखाऊँ कि उनको खिलाऊँ क्या करूँ, मकान बनाऊँ क्या करूँ? जब ये पार्टियां आती हैं अलग अलग दल, तमाम दल BJP कांग्रेस तमाम दलों की हम बात कर रहे हैं, वादे बड़े करती होंगे पहले, ये क्या क्या करते हैं? वे कहते हैं मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है वो करना है, जब मेरी सरकार बन जाती है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपना पेट भरना है। ये सरकार ऐसी है। निश्चित तौर पर इनका कहना है, इनका कहना है BJP हो कांग्रेस हो तमाम राजनीतिक दल हो, सत्ता में आने से पहले ये वादे करते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपकी दशा दिशा सुधारेंगे, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं उसके बाद इनको इन मजदूरों की कोई कह सकते हैं ऐसी व्यथा नजर नहीं आती जिसको वो सुधारा जा सके। सुबह से लेकर ये मजदूर इंतजार कर रहे हैं किसी कह सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति आए जो अपने यहाँ काम कराए, और काम अगर वो इनसे कराया तो निश्चित तौर पर 300 रुपया 400 रुपये इनको दिन का मिलेगा। लेकिन वो भी देखिए, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, मजदूरी क्या हमेशा मिलती है 30 दिन, या उसमें भी कोई गैप होता है? सर 30 दिन तो नहीं मिलती है, नहीं मिलती है सर, महीने में 20 दिन मिल जाए, 10 दिन नहीं मिले, 15 दिन मिल जाए, 15 दिन नहीं मिले। आप क्या कहें कितने दिन मिलते हैं? मजदूरी मिलती है रोजीने भी भाई, डेली की मिलती है मजदूरी, पर मजदूरी के अंदर कुछ भी, मजदूरी के अंदर कुछ भी नहीं बताता है, उसमें 1 रुपया कुछ भी नहीं बताता है मजदूरी के अंदर ही भाई। मजदूरी मैंने, सवाल ये है कि आपको 30 दिन में कितने दिन की मजदूरी मिलती है? 30 दिन के अंदर हमारे को 15 दिन की मजदूरी मिलती है। इन मजदूरों की यह भी व्यथा है कि वो कहें तो किसको कहें, अगर किसी को कहते हैं तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन गिरिराज खंडेलवाल के साथ दशरथ सिंह, जयपुर।